हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। ये पीएलसी सीरीज़ का पांचवा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी के बारे में। हमने पिछले और उससे भी पिछले यानी कि प्रीवियस टू लेक्चर्स में देखा था कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं पीएलसी के, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस देखी थी और आउटपुट डिवाइसेस देखी थी, आईओ मॉड्यूल्स के बारे में बात की थी, और आज भी हम सीपीयू के अंदर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हम आपको सीपीयू के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे चुके हैं, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली मेमोरी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप इस सीरीज़ को सीक्वेंशली देखेंगे, ऑर्डर में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेलिस्ट, तभी आप इस सीरीज़ को सही तरीके से पीएलसी कोर्स को समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, आईओ मॉड्यूल्स हमने पढ़ लिए थे, सीपीयू के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया था, लेकिन अब हम उसकी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो अगर हम सीपीयू की मेमोरी के बारे में बात करते हैं, तो मेमोरी में पर्टिकुलरली दो पार्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेमोरी को बहुत सारे, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द पीएलसीज के अंदर जो मेमोरी होती है वो डिवाइड होती है स्पेसिफिक एरियाज़ में, लेकिन जो कॉमन एरियाज़ होते हैं वो प्रोग्राम एरिया होता है मेमोरी का और डेटा एरिया होता है। और कुछ पीएलसीज़ में ये दोनों एरियाज़ जो होते हैं वो फिक्स साइज़ के होते हैं, और कुछ पीएलसीज़ में जैसे एलन ब्रेटले है, इसके अंदर ये जो साइज़ होता है ये फिक्स नहीं होता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस एतबार से ये फिर इसका साइज़ उस तरह से एडजस्ट हो जाता है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि दो कॉमन एरियाज जो हैं मेमोरी के, वो हैं प्रोग्राम एरिया और डेटा एरिया। अगर हम प्रोग्राम एरिया की बात करते हैं, तो ये वो एरिया है जहाँ पे यूज़र जो है, जो कि हम यूज़र जो होते हैं वो अपना प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि जो लैडर लॉजिक वगैरह हम डिज़ाइन करते हैं वो तमाम प्रोग्राम एरिया के अंदर डिज़ाइन की जाती हैं, और उसी के मुताबिक जो हैं आउटपुट्स भी उसी तरह से बिहेव करते हैं। और अगर हम बात करते हैं पीएलसी सॉफ्टवेयर की, बेसिकली होता ये है कि जब हम अपना पीएलसी प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लैडर लॉजिक, हमारे कंट्री में लैडर लॉजिक यूज़ की जाती है, तो लैडर लॉजिक सॉफ्टवेयर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर के अंदर ही वो उसे कोड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसको तो बिट्स के फॉर्म में डेटा समझ में आता है सीपीयू को, तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है ये डेटा विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम एरिया वो जगह है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। अगर हम डेटा एरिया की बात करते हैं, तो पीएलसी के अंदर जो टिपिकल पीएलसीज के अंदर जो ये डेटा एरिया है, उसे हम डेटा टेबल्स के अंदर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डेवलप कर देता है, उसकी डेटा फाइल्स बना देता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर कुछ इंटरनल रिलेज के कॉन्टेक्ट जो होते हैं वो डेटा स्टोर होता है, और डेटा फाइल्स के अंदर इनफैक्ट इनपुट डिवाइसेस का स्टेटस भी अगर आपको देखना हो तो वो भी डेटा फाइल्स के अंदर ही सेव हो रहा होता है। और इसके अलावा जो आप लुकअप टेबल्स बना सकते हैं, रेसिपीज अगर आपको प्रोग्राम्स की बनानी है, वो भी तमाम डेटा इसी के अंदर डेटा एरिया के अंदर ही स्टोर होता है। तो ये दो एरियाज होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मेमोरी के रिस्पेक्ट से, और इनफैक्ट मेमोरी जो कि सीपीयू का पार्ट है। I hope this lecture also helps you. Please subscribe our channel to continue this series, because आपके सब्सक्राइब ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर इस सीरीज़ के अंदर बनाएं. So please subscribe, and if you find any query related with our course, so do email us. Our email address are given. Thank you.